हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है हिकविजन के डीवीआर को अनबाइंड करने के रिगार्डिंग। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप इजविज के कैमरे को अनबाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस चेंज हो चुका है। अभी नए तरीके से कंपनी ने काम करना स्टार्ट कर दिया अनबाइंड का। पहले अगर अनबाइंड में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, आपको सर्विस सेंटर भेजना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। आप अपने आप से खुद से अपने DVR, NVR या फिर जो आपका इजविज के वाईफाई कैमराज है उनको अनबाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, क्या वो प्रोसेस है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा DVR है जो कि स्क्रीन के साथ अटैच है। चार कैमरे इसमें चल रहे हैं, और मैं अगर आपको दिखाऊं इसका जो स्टेटस है बाइंड का, नेटवर्क में हम चलेंगे सिस्टम के अंदर और एडवांस में जाएंगे प्लेटफॉर्म एक्सेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिंक डाल रहा है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन भी मिल रहा है अनबाइंड का। अब ये हर एक DVR में आपको नहीं मिलता, बट जिनमें मिलता है उसमें आप इस तरीके से कर सकते हो। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं होता अनबाइंड, तो उस केस में क्या करें। देखिए, हिकविजन एक ऐप लॉन्च किया है जो कि है हिक प्रो कनेक्ट। उस पर जितने भी इंस्टॉलर हैं उन सबको अपना अकाउंट बनाना चाहिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, GST डिटेल्स आपको डालनी होती है और अपनी जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो डालनी होती है। उसके बाद अप्रूवल के लिए जाता है और विद इन 5 या 6 घंटे के अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है प्रोसेस। अगर आप उस हिक प्रो कनेक्ट पर अकाउंट बना लेते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटी काफ़ी इजीली मिल जाएंगी। तो मैं अपनी स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है, जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, वो ऑन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ हिक प्रो कनेक्ट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है हिक प्रो कनेक्ट। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और ये ऐप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इसमें आपको SADP टूल भी मिल जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इसी ऐप के थ्रू आप सभी कैमराज को कन्फिगर कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इस ऐप के बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस ऐप को यूज़ करना है। बट फिलहाल हम चलते हैं अपने अनबाइंड सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मी का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर केस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम केस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू केस का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलता है डिवाइस पासवर्ड रीसेट, यानी कि इस ऐप के थ्रू आप अपने DVR NVR का पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिवाइस अनबाइंडिंग, तो यहाँ पर हम अनबाइंडिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले लैन डिवाइस, यानी कि अगर आप उसी प्रीमिसेस में हैं जिसमें आपका DVR है और सेम नेटवर्क से आप कनेक्टेड है, सेम वाईफाई से आप कनेक्टेड है जिससे आपका DVR ऑनलाइन है, तो आप यहाँ पर लैन डिवाइस पर भी जा सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपका फ़ोन उसी रेंज में नहीं है, उसी सेम लैन में नहीं है, तो आप अदर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो डिवाइस है वो सेम लैन में, तो हम लैन डिवाइस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिकली इसने जो DVR है हमारा वो पिकअप कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा DVR है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिवाइस लेबल की आपने फ़ोटो भेजनी है और QR कोड की, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर सकते हैं। तो लेबल की फ़ोटो भेजने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा सीरियल नंबर है, तो ये डिटेल हम भेज देते हैं कैमरा क्लिक करके इस तरह से। तो हमने भेज दी, इसे हम ओके करेंगे और थोड़ा टाइम लेगा ये अपलोड होने में। तो यहाँ पर देखिए, ये अपलोड हो चुका है और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही हम कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा अनबाइंडिंग में और उसके बाद यहाँ पर स्टेटस में आ जाएगा। और यहाँ पर जो लिंक है ये देखिए, यहाँ पर सक्सीड आ चुका है, जो हमारा केस है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, अब ये कुछ टाइम का, मतलब कुछ टाइम लेते हैं प्रोसेस करने में और उसके बाद जो हमारा DVR है वो अनबाइंड हो जाएगा। सो गाइस, जो हमारा डिवाइस है वो अनबाउंड हो चुका है, उनका रिप्लाई आ चुका है। अब वो देखने के लिए हम वापस से चलेंगे हिक प्रो कनेक्ट पर। अगेन हम जाएंगे मी में और केस में, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डियर कस्टमर, एट द डिवाइस हैज़ बीन अनबाउंड, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट ऑफ हिकविजन। तो यहाँ पर जो हमारा डिवाइस है वो अनबाउंड हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं, हमने जो उनको मैसेज भेजा था वो भेजा 3:54 पर, और जो उनका रिप्लाई आया वो आया 4:27 का, मतलब हाफ एन आवर के अंदर उनका जो रिप्लाई है वो आ चुका है। तो अभी हम वापस से चलेंगे सेटिंग के अंदर, नेटवर्क के अंदर, एडवांस और उसके बाद प्लेटफॉर्म एक्सेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनलिंक है ऑलरेडी,
यानी कि जो हमारा डिवाइस है वो लिंक नहीं हुआ है। अभी मैं अपनी एप्लीकेशन पर जाता हूँ हाई लुक पर, और यहाँ पर मेरा डिवाइस ऑलरेडी ऐड था, तो यहाँ पर हम चलेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहले एक बार दिखाया था, उसके बाद गायब हो गया, यानी कि जो हमारा डिवाइस है वो अनबाउंड हो चुका है। ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो ऐड हो चुका है। तो ये देखिए हमारा डिवाइस वापस से ऐड हो चुका है, एक बार हमने अनबाइंड कर दिया और उसके बाद वापस से उसे अपने अकाउंट में ऐड कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है अनबाइंड करने का। तो गाइस ये था प्रोसेस अनबाइंड करने का। तो आप इजिली डीवीआर को, अपने किसी भी डीवीआर को या फिर एनवीआर को अनबाइंड कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। अगर आप में से कोई कस्टमर है, उसका जो डीवीआर है या फिर एनवीआर है वो उन्हें अनबाइंड करवाना चाहते हैं, तो आप वो मुझे भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं रिप्लाई दूंगा और उसी के थ्रू अनबाइंड भी मैं कर दूंगा। तो अगर आप में से कोई चाहता, कोई आपका पुराना डिवाइस है जो अनबाइंड नहीं हो रहा, वो हम एक बार ट्राई करेंगे अनबाइंड करने की, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। और साथ ही हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।